सिर से लेकर पेट तक दबी नसों को ब्लॉक नसों को खोल देने का सबसे जबरदस्त उपाय। नसों में ब्लॉकेज यानी कि वेरिकोज वेंस की वजह से आज ज्यादातर लोगों को दिल से संबंधित बीमारियां जैसे कि हार्ट अटैक या फिर नसों का ब्लॉक हो जाना, शरीर में खून का गाढ़ा होना, इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दरअसल होता कुछ यूं है कि खराब खान पान और एक्सरसाइज ना करने की वजह से हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो कम होने लगता है, शरीर में खून का बहाव कम होने लगता है और जिसकी वजह से आपके शरीर में खून गाढ़ा होने लगता है और इसी की वजह से दिल से संबंधित कई सारी बीमारियां जैसे कि वेरिकोज वेंस, शरीर में नसों का ब्लॉक होना, नसों का दब जाना या फिर खून का बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना, ये सभी समस्याएं होती हैं गलत खान पान और एक्सरसाइज ना करने की वजह से। दोस्तों अगर आपके शरीर का खून गाढ़ा हो रहा है या फिर आपको ब्लॉक नस या फिर दबी हुई नस की समस्या है तो इससे आपको कई सारी समस्याएं हो सकती हैं जैसे कि नसों में खून के थक्के बनने लगते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, कोरोनरी और धमनी रोगों का खतरा बढ़ जाता है। नसों में ब्लॉकेज के लक्षण बहुत सारे होते हैं जैसे कि नसों का नीला पड़ जाना, एक जगह पर नसों की रस्सियों की तरह मुड़ना, पैरों में भारीपन महसूस होना, मांसपेशियों में ऐठन रहना, पैरों के निचले हिस्से में सूजन और दर्द रहता है, एक जगह पर जमा नसों के आसपास खुजली होने लगती है। नसों में ब्लॉकेज को दूर करने के लिए आज हम आपको एक बहुत ही आसान और असरदार उपाय बता रहे हैं। इसका इस्तेमाल करके आपके शरीर की नसों को ताकत भी मिलेगी, शरीर का खून भी पतला होगा और दिल से संबंधित बीमारियां भी खत्म होगी। चलिए दोस्तों आइए हम अब देख लेते हैं इस नुस्खे को कैसे बनाते हैं। और इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको चाहिए होगी फ्लैक्स सीड यानी अलसी। फ्लैक्स सीड के अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 होता है एंड गाइस ये आपके खून को पतला करने के लिए भी बहुत मदद करती है। दिल से संबंधित कई सारी बीमारियों के लिए अलसी रामबाण है और ये आपके शरीर में रक्त में थक्के नहीं जमने देती और मधुमेह के रोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। इसमें लिग्निन नाम का एक फेनोलिक कंपाउंड मौजूद होता है जो कि फाइटोस्ट्रोजन और एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में आपके शरीर से वज़न को भी कम करता है और खून को पतला करता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये मूंगफली, इसकी जगह आप बादाम ले सकते हैं और ये मूंगफली आपको 7 से 8 मूंगफली चाहिए होगी और यहाँ पर मैंने ये 10 से 12 मूंगफली को इसके छिलका उतार कर इसकी गिरी को निकाल लिया है। एंड गाइस यहाँ पर थर्ड इंग्रेडिएंट आपको चाहिए ड्राई कोकोनट पाउडर। ये सभी चीज़ें तीनों चीज़ें आपको किराना स्टोर से मिल जाएंगी और ये आपके शरीर में कई सारी वो सारी समस्याएँ जो कि वेरिकोज वेंस में आती हैं, पैरों में सूजन होना, खून का गाढ़ा होना, इन सारी समस्याओं को ये ठीक करेगा। इन तीनों चीज़ों को आप एक पैन के अंदर डाल दीजिए और इनको धीमी धीमी आंच पर लगभग 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लीजिए और रोस्ट करने के बाद एक ब्लेंडर जार के अंदर डालकर इनका आपको पाउडर बना देना है। बस ये पाउडर आप बनाकर स्टोर करके रख लीजिए, सुबह आप इसको खा सकते हैं आप। और इसे लेने के साथ साथ आपको वर्कआउट की ज़रूरत होगी अगर आपके शरीर का खून गाढ़ा हो रहा है। अगर आप वर्कआउट नहीं कर सकते तो आपको व्यायाम ज़रूर करना चाहिए, एक्सरसाइजेस भी ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि इससे आपकी बॉडी का जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और रक्त परिसंचरण अगर अच्छा होगा तो आपकी बॉडी में जो ये समस्याएं चल रही हैं, ब्लड फ्लो का कम होना, खून का गाढ़ा होना या फिर वेरिकोज वेंस, ब्लॉक नसों की प्रॉब्लम, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। साथ ही साथ आप इस नुस्खे का सेवन कीजिए, 7 ही दिनों के अंदर आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, खून पतला होना शुरू होगा और आपके शरीर में ताकत भी आएगी। तो दोस्तों बहुत उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।